जय हिंद दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और बढ़िया मज़ेदार वीडियो। तो ये वीडियो है जफर हेरेडिक भाई का। वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो बिना कुछ देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। काफिर का अंजाम कैसे माने, लूट मार बे आबरू इज्जत, काफिर का अंजाम कैसे माने, इसको हम एक अमन का पैगाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज मेरे शो में हम बात करने वाले हैं दिल दहला देने वाली इस्लाम की बुराई की। इस वीडियो को आप मेरी पहले वाली वीडियो का दूसरा पार्ट समझ सकते हैं, जिसमें मैंने इस्लाम के शांति के मज़हब ना होने को कुरान से साबित किया था। आज डिटेल में इसे कुरान और हदीसों से समझेंगे। इस्लाम में नॉन मुस्लिम पर अटैक करके लूट मार करना और उनके बच्चों को, औरतों को कैदी बनाना और फिर उनका रेप करना जायज़ है। इस्लाम को बहुत ज़्यादा शांति का, इंसानियत का, अमन का मज़हब कहा जाता है। और आज हम एक बार फिर इसको एक्सपोज करेंगे कि इसमें जुड़ने वाले लोग आखिर कितने इंसानियत वाले होते थे। सबसे पहले खुदा की डिवाइन बुक में देखते हैं कि ये क्या कहती है। कुरान चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 69, तो जो कुछ तुमने जंग में गनीमत का हासिल किया है उसे इस्तेमाल करो, वो हलाल है, तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह से डरो। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जंग में हुई लूट का माल अल्लाह ने जायज़ कर दिया है। अब ये माल क्या क्या हो सकता है वो भी समझते हैं। तो ये माल उजर मतलब प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और औरतें मतलब महिलाएं भी हो सकती हैं। इन्हें राइट हैंड पॉसेस कहा जाता था और कुरान की आयतों में इनका कई जगह जिक्र मिलता है, इसलिए कोई भी मुस्लिम उलेमा इस बात से मुकर नहीं सकता। इनके साथ बिना निकाह सेक्स मतलब सीधे सीधे कहीं तो रेप भी जायज़ है। और इन औरतों की अगर पहले से शादी भी हुई भी है तो वो शादी इनके गुलाम बनते ही नल एंड वॉइड हो जाती थी। और इन गुलाम औरतों के साथ इस्लाम में और क्या क्या सलूक होता था इसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी हमारा फोकस सिर्फ माल गनीमत पर रहेगा। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जब मैं ये बातें मुस्लिम लोगों से डिबेट में कहता हूँ तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं जो जनरली होते हैं। काफ़ी लोग बहुत बेकार लोग होते थे और हमेशा मोहम्मद साहब पर अटैक करते थे, जबकि मोहम्मद साहब सिर्फ अपने डिफेंस में लड़ते थे। एक पॉइंट होता है, ये माल गनीमत वो माल होता है जो इस्लाम के दुश्मन अटैक करने आते थे और जंग में छोड़कर भाग जाया करते थे। ये औरतें जो माल गनीमत का हिस्सा होती थी, ये वो औरतें होती थी जो जंग में मर्दों के साथ आती थी और अटैक करती थी। अब मैं आपके पास कुछ हदीसें पेश करूँगा जिनसे इनके सारे दावों की पोलपट्टी खुल जाएगी। तो साही बुखारी 2541, ये बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है, जैसे कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में भी बताया था, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो फला फला ने बताया है कि मैंने ख़त लिखा फला फला को और फिर उसने जवाब में बताया कि मोहम्मद साहब ने अचानक से बनी मुस्तलिक कबीले पर बिना वार्निंग का अटैक किया, वो भी उस समय जब वो लापरवाह थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। उस समय इन बहादुर सिपाहियों ने अटैक किया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उस दिन रसूल अल्लाह को उनकी वाइफ जुवेरिया मिली थी। अब यहाँ जिन पर अटैक होता था उन्हें मोहम्मद साहब कंडीशन देते थे कि या तो इस्लाम को एक्सेप्ट करके मुस्लिम हो जाओ और निकाह कर लो, या फिर ज़िंदगी भर के लिए गुलाम मतलब कि बांदी बन जाओ। औरतें ऑब्वियसली एक इज्जत की ज़िंदगी ही चुनती थी। याद रहे, ये वो औरतें थीं जिनके हस्बैंड या फादर को मोहम्मद साहब ने कत्ल कर दिया है और अब उन्हें अपनी बीवी बनाना चाह रहे हैं। अब एक और हदीस देखते हैं, बुक नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 14 हदीस 68। अल्लाह के रसूल ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और सवार हुए और कहा, अल्लाह अकबर, खैबर बर्बाद हो चुका है। जब हम किसी कौम के करीब पहुँचते हैं तो सबसे ज़्यादा बदनसीबी की सुबह उनकी होती है जिन्हें वार्निंग दी गई होती है। लोग सड़कों पर आए और कहा, मोहम्मद और उनकी फ़ौज, अल्लाह के रसूल ने जबरन उन्हें मारकर जीता और बच्चे और औरतों को कैदी बना लिया। सफिया जो मोहम्मद साहब की वाइफ थी वो उन्हें इसी जंग में मिली थी और इन्हें पहले किसी दिहिया अल कल्बी ने मांग लिया था, लेकिन बाद में रसूल अल्लाह ने उनसे शादी की और उनकी आज़ादी उनकी मेहर थी। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, मेहर एक्चुअली सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो निकाह में औरत के हक में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने अटैक करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया था, इसलिए उनकी आज़ादी ही उनकी मेहर थी। ये होती है सच्ची इंसानियत। डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसे इंसान को अपना रसूल कहते हुए। वैसे ये हदीस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बनू कुरैज़ा कबीले का और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये भी दिखाऊंगा कि मोहम्मद साहब कितना माफ़ करने वालों में से थे और कितने बहादुर भी थे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाएंगे। अब यहाँ वो तीनों पॉइंट्स पूरी तरह से बेकार साबित हो जाते हैं जो मोहम्मद साहब को खुद से ना अटैक करने वाला, डिफेंस में लड़ने वाला और केवल जंग में जंग करने आई औरतों को गुलाम बनाने के जो पॉइंट्स थे। और साबित हो जाता है कि मोहम्मद साहब भी लालची थे, लुटेरे आदमी थे, अटैक करते थे और बेकसूर औरतों को उठाकर शादी का ढोंग करते थे और उनका रेप करते थे। एक्चुअली उन्हें सब कुछ अलाउड था। कुरान की एक आयत है चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50, इसमें अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि ओ मोहम्मद, हमने आपके ऊपर हलाल की आपकी बीवियाँ, आपकी बांदियाँ मतलब वही गुलाम औरतें जिनका भी हमने डिस्कशन किया, चाचा की बेटियाँ, फूफी की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ,
और वो बिलीविंग वुमन, मतलब वो ईमान वाली औरतें जो अपने आप को रसूल अल्लाह को गिफ्ट कर देती थी। ये सारे ऑप्शंस केवल आपके लिए हैं और बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए वही चार बीवियाँ और अनलिमिटेड गुलाम बांध दिया। इसके अलावा यही हमारी डिवाइन बुक दो जगह पर ये भी कहती है कि गुलाम और फ्री लोग इक्वल नहीं होते। तो ये हकीकत है हमारे रसूल अल्लाह की, जिन्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान समझा जाता है। तो मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग इन उलेमाओं के, इन स्कॉलर्स के बहकावे में ना आएं और इस्लाम की सच्चाई को खुद से समझें, खुद से कुरान की और हदीसों की रिसर्च करें और फ्री माइंड से इंसानियत के तराजों में तोलें। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम में सब कुछ बुरा ही बुरा है, मुझे भी पता है कि कुछ अच्छी हदीसें भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बुरी हदीसों को और तालीम को इग्नोर कर दें। हम इस डिवाइन बुक को खुदा का लास्ट पैगाम मानकर प्रिजर्व करते हैं और इसमें चेंजेस नहीं होने देते। लेकिन जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इन्हीं बुरी आयतों का, हदीसों का रेफरेंस लेकर पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन जाते हैं। तो अब हमें ज़रूरत है जागने की, देखने की, तोलने की, समझने की, इन घिसी पिटी पुरानी रद्दी किताबों से अपना पीछा छुड़ाने की और विज्ञान के इस दौर में अपने कंट्रीब्यूशन देने की। तो मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाएं। हमें नफरत नहीं करनी, सिर्फ सच्चाई बताकर लोगों को सही रास्ते पर लाना है। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा और इस वीडियो में एक सच्चाई बताई गई है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, इस हकीकत को ज़रूर समझें और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं जाऊँगा कि क्या लिखा है, आपने खुद ही पढ़ लिया कि क्या लिखा हुआ है किताबों में। आप इंसानियत के तराजू पर इसको तोलिए कि क्या आपको लगता है कि ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं क्या वो सही हैं। बुक्स छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और सोचो क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप इस गलत चीज़ को ही फॉलो करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन सही में बताऊँ तो इंसानियत से आप बहुत दूर जा रहे हो अगर आप इस तरह से जो है वो लेडीज़ को अपनी जो है गनीमत समझते हो। देर इज़ नो इक्वालिटी, तो यहाँ से तो साफ हो जाता है कि इक्वालिटी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जफर हेरेटिक भाई साहब का, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप ये वीडियो दिखाओगे उनको एक सच्चाई का पता चलेगा, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।